महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को देखते हुए अब महाराष्ट्र में भी कठोर कानून बनाने की जानकारी गृह मंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने दी। परिषद सभागृह में महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार के बारे में और जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उनको कानून की सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी लक्ष्यवेदी थी। और विधानसभा के सदस्य प्रताप सरनाईक, इन्होंने भी मांग की थी जो हैदराबाद में हुआ जो अत्याचार है उसके धरती पर आंध्र प्रदेश ने जो दिशा कानून बनाया है उसके बेस पर यहाँ पर वैसे ही राज्य में कानून बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो 7 दिन पुलिस इंक्वायरी होगी उसमें कानून में और 14 दिन में न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, ऐसा कानून आंध्र प्रदेश ने किया है और राज्य सरकार भी उसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है, सोच रही है। उसके लिए स्पेशल कोर्ट हो, स्पेशल मैजिस्ट्रेट हो, स्पेशल PP हो और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो और राज्य में भी 27 ये महिलाओं के अत्याचार के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 108 और कोर्ट की अनुमति दी है ताकि इसके जरिए यहाँ पर महिलाओं पे होने वाले अत्याचार को हम रोक सके। और महाराष्ट्र में नई सरकार महाविकास आघाड़ी की आई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं और इस राज्य में कोई भी दल हो, कोई भी घटक हो और महिला हो, निर्भयता से अपना अपना कारोबार करने का मौका उनको मिलना चाहिए। उनके दिल में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, कानून निश्चित रूप से किसी भी तरह का डर उनके दिल में नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसी कोशिश हमारी है कि ऐसे जो गुनाहगार है, महिलाओं पे अत्याचार करने वाले जो है, उनको कानून का डर होना चाहिए और तुरंत उनको किए हुए की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार आंध्र प्रदेश के बेस के ऊपर यहाँ पर कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये निर्णय उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है और विधि व न्याय विभाग से बैठक कर चर्चा करने के बाद इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। नागपुर के महापौर यांच्यावर काल रात्री 12:15 वाजता गोळीबार झालेला आहे। मी या नागपूरचे आयुक्त, पोलीस आयुक्त यांच्याशी माझी चर्चा झालेली आहे, महापौरांशी देखील चर्चा झालेली आहे, दोघंही मला भेटलेले आहेत आणि ज्याने हल्ला केलेला आहे, प्रथम नागरिकांवर होणारा हल्ला हा दुर्दैवी आहे आणि अशा प्रकारचं ज्यांनी धाडस अधिवेशन सुरू असताना केलेलं आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, त्याला ताबडतोब अटक झाली पाहिजे, अशा प्रकारचे निर्देश पोलीस आयुक्तांना मी दिलेले आहेत।